हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम लिखते कुछ और है और लिखाता कुछ और है, और हम इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा देश हिंदी कीबोर्ड। जैसे आप देश हिंदी कीबोर्ड सर्च करोगे आपको फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो गाइस, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे आप इसे ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको नीचे में एनेबल देश हिंदी कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको देश हिंदी कीबोर्ड को अनेबल कर लेने होंगे। उसके बाद आपको नीचे में चूज देश हिंदी कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको देश हिंदी कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे में कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा थीम का, तो यहाँ से आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये पहले से दूसरे वाले में सिलेक्ट है प्रीमियम में, तो मैं इसे प्रीमियम में ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको नीचे में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो। अगर आप कुछ बोल के टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बोल के टाइपिंग करने का ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद आपको नीचे में हाउ टू यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को इसे यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस आप टाइपिंग करोगे तो आपको नीचे में एक आ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से ग्रीन है, तो अगर आप इस पर टिक करोगे तो एक ग्रीन हट जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन हट चुका है। उसके बाद जब आप टाइपिंग करोगे तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। और गाइस, इसमें आप जो भी टाइपिंग करोगे केवल वही लिखाएगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं लिखाएगा। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं जो भी लिख रहा हूँ वही लिखा रहा है। उसके बाद आपको आ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब मैं आप लोगों को हिंदी में टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस, आपको स्पेलिंग लिखना होगा। जैसे कि आपको क्या लिखना है तो के वाई ए लिखना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा जाएगा। ऊपर में आपको क्या वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये हिंदी में लिखा जाएगा। आप जो भी लिखना चाहते हैं आपको सिर्फ स्पेलिंग लिखना होगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा। और नीचे में आपको अब वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर से इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है गाइस, यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश दोनों पर टाइपिंग कर पाओगे। उसके बाद गाइस, आपको राइट साइड में एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप माइक के ऑप्शन पर क्लिक करके वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं वॉइस टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इसे अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा। वॉइस टाइपिंग करने के लिए गाइस आपको अपना इंटरनेट ऑन करना होगा। इंटरनेट ऑन करने के बाद ही आप वॉइस टाइपिंग कर पाओगे। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है क्या कर रहे हो। इस तरह से आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।